हमने बहुत बार मूवीज में देखा होगा कि एक इंसान का एग्जैक्ट सेम क्लोन बन जाता है, और कई बार हमारे दिमाग में भी ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या क्लोनिंग सच में पॉसिबल है। तो हाँ, क्लोनिंग अब सिर्फ मूवीज में नहीं, रियल लाइफ में भी पॉसिबल है। मतलब अब सिर्फ इंसान के एक सेल से दूसरा इंसान बनाया जा सकता है, और ऐसा एक भेड़ के साथ किया भी जा चुका है जिसका नाम डॉली रखा गया, और पूरी दुनिया उसे डॉली द शीप के नाम से जानती है। डॉली का जन्म 1996 में हुआ था, और हैरान करने वाली बात यह है कि जब डॉली को बनाया गया था या फिर उसने जन्म लिया था, तब क्लोनिंग टेक्नोलॉजी एकदम नई थी। इस एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ने एक फुल्ली ग्रोन शिप के सेल से न्यूक्लियस निकाला और एक दूसरे शिप के एग से न्यूक्लियस निकाला, और इन दोनों को कंबाइन करके एक इलेक्ट्रिक शॉक के जरिए एक्टिवेट किया, और फिर एक फीमेल शिप के अंदर ट्रांसफर किया, और कुछ ही दिनों में डॉली ने जन्म लिया। ये एक्सपेरिमेंट मेडिकल साइंस की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट। पर सवाल ये उठता है कि अगर आने वाले समय में इंसानों की भी क्लोनिंग होने लगे तो क्या ये अनएथिकल नहीं होगा? इसी डर से कई देशों ने ह्यूमन क्लोनिंग प्रैक्टिस पर बैन लगा रखा है। वैसे देखा जाए तो हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार भी क्लोनिंग के कई वर्णन मिलते हैं। एक कहानी जो बहुत पॉपुलर है इसके रिलेटेड, उसमें एक वेना नाम का एक राजा होता है जो बहुत अत्याचारी होता है, जिसने सारी वैदिक प्रैक्टिसेस पर बैन लगा दिया होता है, और उससे गुस्सा होकर एक साधु ने अपनी तंत्र शक्ति का इस्तेमाल करके उसको मार दिया। पर क्योंकि देश को एक नए राजा की ज़रूरत थी, तो वेना के बॉडी के सेल से एक नया राजा बनाया गया। अब इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये बताना थोड़ा कठिन है, पर अब क्रिएट करने की ताकत सिर्फ भगवान में नहीं, इंसान में भी है।